माननीय सभापति महोदय, दिनांक 14 जुलाई 2019 को मैंने जल संसाधन मंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग एवं प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग के साथ दरभंगा जिले के रसियारी, घनश्यामपुर, मधुबनी जिले के झंझारपुर, नरुवार, जयनगर, सीतामढ़ी जिले के रीगा, ढेंग, बैरगनिया, पूर्वी चंपारण जिले के बेलवा तथा शिवहर जिले के पिपराही बाजार के साथ साथ इन जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करीब 2.5 घंटे का विस्तृत हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। कल दिनांक 15 जुलाई 2019 को मैंने मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग, प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग के साथ अररिया जिले के अररिया, फॉरबिसगंज, सिकटी, कुर्साकांटा, पलासी, जोकीहाट, किशनगंज जिले के ठाकुरगंज, कोचाधामन, टेढ़ागाछ, पूर्णिया जिला के वैसा, वायसी, अमौर एवं कटिहार जिले के बलरामपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का करीब 4 घंटे तक हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के पश्चात पूर्णिया के चूनापुर हवाई अड्डे पर पूर्णिया के प्रमंडलीय आयुक्त एवं पूर्णिया, अररिया, कटिहार एवं किशनगंज जिले के जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ एवं बचाव तथा राहत कार्य की स्थिति की मैंने पूरी विस्तृत समीक्षा की। लौटते वक्त मैंने कोसी नदी के बढ़े जल स्तर वाले सुपौल, सहरसा जिलों के इलाकों तथा पुनः दरभंगा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। संभावित बाढ़ और सुखाड़ की आपदा की स्थिति को देखते हुए संबंधित विभागों के सचिवों, प्रधान सचिवों के साथ मैंने 3 जून को समीक्षा बैठक की थी। पुनः 6 जुलाई को मैंने उप मुख्यमंत्री, सभी संबंधित विभागों के मंत्रीगण, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण, मुख्य सचिव सहित संबंधित विभागों के प्रधान सचिव, सचिव के साथ बाढ़ की पूर्व तैयारियों एवं सुखाड़ की स्थिति की विस्तृत समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त 12 जुलाई एवं 14 जुलाई 2019 को बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति एवं उस पर उठाए गए कदमों के विषय में मुख्य सचिव सहित संबंधित विभागीय सचिवों के साथ विस्तृत समीक्षा की। विगत 3-4 दिनों से नेपाल के तराई इलाकों में पिछले वर्षों में सामान्य तौर पर 50 मिलीमीटर औसत वर्षापात की तुलना में इस वर्ष 280 से 300 मिलीमीटर वर्षापात हुआ। बहुत ज्यादा वर्षा होने के कारण फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। इससे नेपाल से निकलने वाली कई नदियों यथा कमला बलान, बागमती, लालबेकिया, अधवारा समूह की नदियां, कोसी, परमान, बकरा, कनकई और महानंदा में अधिक जल स्राव के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। कमला नदी के नेपाल स्थित जल ग्रहण क्षेत्र में 12 जुलाई 2019 को भारी वर्षापात हुआ और 13 जुलाई 2019 को और अधिक वर्षापात हुआ एवं 203.60 से लेकर 319.80 मिलीमीटर वर्षापात दर्ज किया गया। फलस्वरूप कमला नदी में अत्यधिक जल स्राव प्राप्त हुआ एवं मधुबनी जिला अंतर्गत जयनगर में कमला बियर सह ब्रिज के लगभग 2 फीट ऊपर तक जल का बहाव होने लगा। झंझारपुर रेल पुल के निकट वर्ष 1987 में कमला नदी का उच्चतम जल स्तर 54.34 मीटर था। उस जल स्तर में 16 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई जो बढ़कर 54.50 मीटर का हो गया। कमला नदी में अत्यधिक जल स्राव प्राप्त होने के कारण कमला बयान बायां तटबंध 2 स्थलों पर और कमला बलान दायां तटबंध 6 स्थलों पर क्षतिग्रस्त हो गया। इसके फलस्वरूप मधुबनी जिले के जयनगर, अंधरा ठाड़ी, झंझारपुर, बाबूबरही, लदनिया प्रखंड तथा दरभंगा जिला के तारडीह, घनश्यामपुर एवं गौड़ा बौराम प्रखंड प्रभावित हुए। बागमती नदी के नेपाल स्थित जल ग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षापात होने के कारण बागमती नदी के ढेंग स्थल पर दिनांक 14 जुलाई 2019 को 73 मीटर का नया उच्चतम जल स्तर दर्ज किया गया जो अपने पूर्व के जल स्तर से 40 सेंटीमीटर अधिक रहा।
इसके अलावा बागमती नदी के सोना खान स्थल पर उसी दिन 72.05 मीटर का उच्चतम जलस्तर दर्ज किया गया, जो कि अपने पूर्व के जलस्तर से 1.28 मीटर अधिक रहा। बागमती नदी में आई बाढ़ के कारण शिवहर, सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर जिले के लोग प्रभावित हुए। वर्तमान में बागमती नदी पर निर्मित सभी तटबंध सुरक्षित हैं। ललबकिया नदी में अत्यधिक जलस्राव प्राप्त होने के चलते पूर्वी चंपारण एवं शिवहर जिले के लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। अधवारा समूह की विभिन्न नदियां यथा रातो, अघवारा, धौंस आदि में अत्यधिक जलस्राव प्राप्त होने के चलते सीतामढ़ी एवं मधुबनी जिले में मधवापुर, हरलाखी, बेनीपट्टी प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हुए। खिरोई नदी में खमतौल ब्रिज के पास मुरैठा गांव में बांध टूटने से दरभंगा जिले के जाले प्रखंड में पानी का फैलाव हुआ। कोसी नदी में हनुमान नगर स्थित बराज पर दिनांक 13 जुलाई 2019 को 3,71,110 क्यूसेक का जलस्राव प्राप्त हुआ, जो कि पिछले 15 वर्षों का सर्वाधिक है। कोसी नदी के सभी तटबंध सुरक्षित हैं, परंतु सुपौल, सहरसा और मधुबनी के मधेपुर, लखनऊ प्रखंड जिला अंतर्गत तटबंध के भीतर रहने वाले लोग प्रभावित हुए। परमान, बकरा, कनकई एवं अन्य नदियों में अधिक जल स्राव के कारण अररिया जिले में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। मेची, डोंक एवं महानंदा नदी में अत्यधिक जल स्राव प्राप्त होने के चलते किशनगंज जिले के लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। महानंदा नदी में दिनांक 15 जुलाई 2019 को ठेंगरा घाट में 37.18 मीटर एवं झौवा में 32.36 मीटर का जलस्तर रिकॉर्ड किया गया। ठेंगरा घाट एवं झौवा में महानंदा नदी खतरे के निशान से क्रमशः 1.51 मीटर एवं 1.23 मीटर ऊपर बह रही है। महानंदा बेसिन में अवस्थित सभी तटबंध सुरक्षित हैं। मैंने बाढ़ प्रभावित सभी क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य तेज करने का निर्देश दिया है। राहत एवं बचाव कार्य के लिए 796 मानव बल तथा 125 मोटर बोट के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 26 टुकड़ियां तैनात की गई। इनके द्वारा अभी तक 1,25,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित निकाला गया है। आज दिनांक 16 जुलाई 2019 के 10 बजे पूर्वान तक प्राप्त सूचना के अनुसार शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार एवं पूर्णिया कुल 12 जिलों के 78 प्रखंडों में 555 पंचायतों की 25,71,600 जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित है। प्राप्त सूचना अनुसार बाढ़ से अब तक 25 लोगों की मृत्यु हुई। कुल 199 राहत शिविर खोले गए हैं, जिसमें 1,16,653 लोग रह रहे हैं। इसके अलावा 676 सामुदायिक रसोई घरों की व्यवस्था की गई। जरूरत पड़ने पर और भी राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। साथ ही भोजन की गुणवत्ता, शुद्ध पेयजल और साफ सफाई पर समुचित ध्यान रखने का भी निर्देश दिया गया। मानव दवा यथा हैलोजन टैबलेट, ओआरएस पैकेट, डायरिया की दवा, ब्लीचिंग पाउडर प्रभावित जनसंख्या में वितरित की जा रही है। पशु दवा की समुचित व्यवस्था के साथ साथ पशुओं के लिए चारा इत्यादि की भी समुचित व्यवस्था के लिए निर्देश दिया गया। सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु एक मानव संचालन प्रक्रिया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP बनाई गई। इसमें बाढ़ पूर्व तैयारियों से लेकर बाढ़ के समय तथा बाढ़ समाप्ति के बाद किए जाने वाले कार्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया। सभी जिलाधिकारी इसी SOP के अनुसार ससमय पूरी तैयारी कर लेते हैं। इससे आपदा प्रबंधन का कार्य अधिक सुगम तथा दक्ष हुआ। राहत कार्यों में कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए वित्तीय नियमों को सरल बनाया गया तथा वित्तीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। प्रत्येक जिले में तथा मुख्यालय में EOC इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना की गई, जो सूचना संग्रहण, सूचना विश्लेषण, सूचना प्रेषण और नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करता। यह 15 जून 2019 से ही सभी जगहों पर कार्यरत है। पथ निर्माण विभाग
एवं ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव सचिव को आज ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लेने का निर्देश दिया गया। प्राप्त सूचना अनुसार 335 ग्रामीण पथ क्षतिग्रस्त हुए, यह संख्या बढ़ भी सकती है। इन सभी क्षतिग्रस्त पथों को जल स्तर के कम होते ही आवागमन योग्य बनाया जाएगा, तत्पश्चात पूर्व की भांति इन पथों को अच्छी गुणवत्ता का बनाया जाएगा। इसी प्रकार पथ निर्माण विभाग को भी संपर्क से कटे हुए स्थलों पर अविलंब संपर्कता बहाल करने का निर्देश दिया गया। वर्ष 2017 में अररिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 327E पर गोरैया जोकीहाट के निकट पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको नया बनाने के लिए NHAI से इसकी स्वीकृति मिलने में विलंब हुआ, परंतु तत्काल बाढ़ से राहत एवं बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा इस पुल स्थल पर बेली ब्रिज बनाकर आवागमन चालू करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 15 जुलाई 2019 को दरभंगा, मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी के जिलाधिकारियों को उनके जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कराया गया। आज कटिहार, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया के जिलाधिकारियों को अपने जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए भेजा गया। बाढ़ राहत हेतु सभी जिलों को आवंटन उपलब्ध कराया जा चुका। अनुग्रह अनुदान हेतु तो सरकार ने हर जिले में चक्रीय निधि रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था की है। आपदा में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 24 घंटे के भीतर अनुग्रह अनुदान की राशि दे दी जाती है। हम हमेशा से कहते आए हैं कि सरकार के खजाने पर सबसे पहला हक आपदा पीड़ितों का है। राहत कार्य हेतु जितनी भी राशि की आवश्यकता जिलों में होगी उसे सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाए। जो भी जरूरी होगा वे सभी कार्य किए जाएंगे तथा बाढ़ प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। वर्ष 2017 में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहाय राशि वितरण के लिए ग्रेचुटस रिलीफ फंड समय हम लोगों ने यह पाया कि राशि के अंतरण में बैंक के ब्रांच के द्वारा काफी विलंब किया गया तथा सूची तैयार करने में भी कई प्रकार की शिकायतें आई थी। इसके चलते वर्ष 2017 की बाढ़ से प्रभावित लाभुकों को सहाय राशि मिलने में थोड़ा विलंब हुआ था। इन परेशानियों को देखते हुए बाढ़ग्रस्त जिलों में प्रभावित परिवारों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से सहाय राशि के वितरण की व्यवस्था की गई है। इस प्रणाली के तहत अब लाभार्थियों के बैंक खाते में 6,000 रूपये प्रति परिवार की दर से सहाय राशि सीधे पीएफएमएस के माध्यम से बिना किसी परेशानी तथा पारदर्शी तरीके से भेजा जा सकेगा। राशि के अंतरण में बैंक के ब्रांच पर कोई निर्भरता नहीं रहेगी। बाढ़ राहत के लाभार्थियों की सूची जिलों के द्वारा आपदा संपूर्ति पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहाय राशि वितरण का कार्य शुक्रवार दिनांक 19 जुलाई 2019 से प्रारंभ कर दिया जाएगा। संपूर्ण स्थिति पर सरकार की नजर है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावकारी कार्रवाई की जा रही। सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए दृढ़ संकल्पित है, परंतु यह ध्यान रखना होगा कि अभी जुलाई का महीना ही चल रहा। विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर बिहार में बाढ़ सामान्यतः अगस्त माह में आती, परंतु हमारी तैयारी पूरी है तथा तत्परता के साथ बाढ़ आपदा पीड़ितों को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पूरी मुस्तैदी से राहत एवं बचाव कार्य चलाएं। किसी क्षेत्र में बाढ़ आएगी तो प्रशासन द्वारा जल्द कार्रवाई होगी। सभी लोग पूरी संवेदनशीलता के साथ सजग। धन्यवाद।